अच्छा, ये शाहिद अफरीदी के लिए ना इम्तहान भी है कि उनको तंकीद यही हो रही थी कि यार वो T20 के बॉलर हैं और हमेशा ये बात होती है कि वो पहले ओवर में विकेट लेते हैं तो फिर आगे जाके इफेक्टिव होते हैं, और अगर पहले ओवर में विकेट ना ले तो उनको खुद पे बड़ा प्रेशर आया। सही है। अच्छा, टेस्ट मैचेस में मैंने पहले भी कहा था कि टेस्ट मैचेस के अंदर जो है मुझे उनकी कोई अभी तक कोई ऐसी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई कि जो इंडिविजुअली उन्होंने मैचेस जिताई हो, तो ये एक ऐसा है कि उनको टारगेट भी बड़ा मिल गया, 448 रन बड़ा स्कोर मिल गया। अब अगर यहाँ शाहिन शाह आफरीदी प्रेशर में अगर टीम को नहीं ला पाते तो फिर ये हमारी फास्ट बॉलिंग पे भी एक सवाल होगा। मतलब वहां पर क्लाउडी कंडीशन है, आखिर का 1 घंटा बचा है और इतने बड़े आप अपने आप को बॉलर मानते हो तो यार 1-2 विकेट तो औसत बनती थी। तो बिल्कुल अभी तक बांग्लादेश के बैट्समैन जो है उनको आसानी से खेल रहे हैं और मुझे उनकी बॉलिंग में वो कोई इतनी खतरनाक किस्म की पेस भी नजर नहीं आ रही। वो कोई 145 और ऐसी बॉलें भी मुझे कोई इतनी डेविएशन जी भी नजर नहीं आई। हाँ बिल्कुल। सामने बांग्लादेश की टीम है, इवन पाकिस्तान की टीम जब पहले खेल रही थी 16 पे हमारे 3 विकेट गिर चुके थे, और सामने बांग्लादेश की टीम में और सामने शाहिन शाह आफरीदी, नसीम शाह जैसे दिग्गज प्लेयर्स जो है माने जाते हैं दुनिया में, लेकिन अब तक कोई अच्छा विकेट नहीं बताइए आया। सूरज, सूरज इसमें फर्क ये है कि हम जब बैटिंग करने आए थे हम पे कोई प्रेशर नहीं था और उसमें हमने 3 विकेट दे दी, तो बांग्लादेश के बॉलरों को पे ग्रेड देना पड़ेगा ना। और बिल्कुल बांग्लादेश जब बैटिंग करने आई है उस पे प्रेशर है 448 रन का और वो कोई विकेट नहीं दे पाए, तो अच्छा, ये बांग्लादेश की तरफ से एक शोएब भाई, बांग्लादेश की तरफ से एक तो शाकिब अल हसन ने, स्पिनर ने 1 विकेट ली है, वैसे ये मेहदी हसन ने भी 2 विकेटें ली है, और शरफुल इस्लाम ने भी 2 विकेटें ली है। ये हसन महमूद हैं, ये भी मेरे ख्याल से स्पिनर हैं, तो 2 विकेट जो स्पिनर ने ली हैं वैसे इस पिच पर भी, जो कि फास्ट बॉलिंग के नहीं, लिए फेमस है। बांग्लादेश के स्पिनर्स जो थे वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मगर हमें सारा का सारा क्रेडिट सऊद शकील को देना पड़ेगा कि उसने स्पिनर्स को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया और नजर नहीं आया, वरना शकीबुल हसन और जो उनके दूसरे स्पिनर हैं वो बड़ी शानदार बॉल कर रहे थे। आखिर में देखा ना, उसने जो 2 दफा उसको स्टंप किया तो 1 दफा तो सऊद शकील बच गए थे और बिल्कुल दूसरी बिल्कुल तरफ आउट हो गए। हालांकि बिल्कुल सऊद शकील इतना शानदार तरीके से स्पिनर्स को खेल रहे थे कि बॉल को वो ज्यादा स्पिन नहीं होने दे रहे थे, हाँ आगे हाँ जाके फ्रंट फुट निकाल के बॉल को डेड कर देते, पर बिल्कुल तो उसके बिल्कुल बावजूद भी वो रिसीव कर गए। तो हमने हमारी तरफ से स्पिनर्स ना खिलाना, हमने उस दिन भी बात की थी, कोई इतना वाइज डिसीजन नहीं था। बस अगर एक अच्छा स्पिनर हो ना तो वो तो फिर हर किसी की विकेट पे ब्रेक कर ही लेता है। तो सही आपने स्पिनर नहीं खिलाया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एहसास होगा कि यार हमने स्पिनर नहीं खिलाया। और अभी पता चल रहा है कि अभी आपने मतलब जितने ओवर का भी खेल हुआ है, कितने ओवर का खेल हुआ अभी, 7-8 ओवर हुए, अभी 11 ओवर, 11 ओवर में 22 रन बने हैं। 11 ओवर्स के अंदर आपका फास्ट बॉलर जो है विकेट क्या लेकर सका, कोई इतना खतरनाक बॉल भी निकली कि जिसपे बांग्लादेशी बैट्समैन बीट हो रहे हो, गए हो रही है, वो बड़े आसानी से टैकल कर रहे हैं। अरे शोभा भाई क्या देख रहे हैं अभी इस मैच का, ये तो निकाल के ले जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान तो जीत रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये ड्रा वरा का सीन वीन बन रहा है। असल वो जीतने के लिए मैंने बार बार कहा है 20 विकेट लेना जरूरी है। अब यहाँ अगर नसीम शाह आफरीदी, नसीम शाह जो है, नसीम शाह ऐसा है कि वो नई बॉल के बाद जब बॉल पुरानी होती है तो फिर नसीम शाह की बॉल जो है ना बहुत ज्यादा स्विंग शुरू हो जाती है, तो अच्छा हो सकता है कि कल हमें नसीम शाह की तरफ से जो है ना बेहतर बॉलिंग देखने को मिले। और शाहिन शाह आफरीदी के लिए कि नई बॉल जनाब वो बड़ी डेंजरस करते हैं, 2-3 विकेट निकाल देते हैं, तो शाहिन शाह आफरीदी का फैक्टर जो है वो तो मुझे न्यूट्रलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। नजर अब आ रह रहा गया नसीम शाह या है। मोहम्मद अली किस किस्म की बॉल करते हैं, तो वो कल हमें देखना पड़ेगा। और कल पहले सेशन में अगर पाकिस्तान ने 3 खिलाड़ी आउट नहीं किए, तीन हाँ चार, तो फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। अच्छा, शोभा भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम स्पोर्ट्स ओवर के लिए। नाजिन आज ये स्पोर्ट्स ओवर में एतिरो ई, पाकिस्तानी बांग्लादेश जो ॿियो ॾींहुं जेको जो खेल जारी है इन वक़्त बि, ऐं सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, अलाह हाफ़िज़। दिस शो वॉज ब्रॉट टू यू बाय